हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मास्टर के ऊपर। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 13। तो इससे पहले है हम जो 12 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ में, जो है हम ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो है आपको जो जितने भी जो हमने पहले वीडियोस बनाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो जो है इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ साउंड। और ये चैप्टर आपको ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीटेट साइंस पेपर 2 हो, तो वो जो हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 111, दैट इज़ द वॉइस ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से सबसे जो कम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी पिच भी कम होती है, राइट। सो जो पिच होती है वो जो है मेल जो वॉइस है, मेल वॉइस की जो पिच है कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल बॉडी, और जो फीमेल बॉडी होती है उसकी पिच कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी बेबीज, या एक चाइल्ड की जो बच्चे की आवाज़ होती है उससे जो है फीमेल की जो पिच होती है या फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है। तो इसमें से मिनिमम फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 111 का चॉइस नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर, दैट इज़ अ मैन। जो एक मेल की आवाज़ होगी उसमें जो है फ्रिक्वेंसी जो है सबसे कम होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 112। द साउंड कैन पास थ्रू, जो साउंड है किस में से पास हो सकती है। आपके पास ऑप्शंस हैं गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो आपको पता होना चाहिए जो साउंड है दैट नीड्स अ मीडियम टू पास थ्रू, राइट। तो जो है मीडियम होना है कोई बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, तो चाहे वो गैस हो, इन तीनों मीडियम में जो है गैस पास करेगी, दैट इज़ द सॉलिड लिक्विड गैस। चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए जो साउंड है फास्टेस्ट किस में पास करेगी, तो सबसे जल्दी जो है साउंड जो है सॉलिड में पास करेगी, देन विल बी दी लिक्विड्स एंड दी गैस। तो मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मून है, मून के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है, मून के पास जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, मींस वहाँ पे जो गैसेस नहीं है, तो वहाँ पे जो है हमें कभी भी आवाज़ सुनती नहीं है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मून है वहाँ पे जो जब भी आवाज़ की बात होगी तो वो जो है इट विल बी ऑलवेज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। सो जो रेडियो वेव्स हैं हमेशा जो मून के ऊपर रेडियो वेव्स से ही काम चलेगा। तो रेडियो वेव्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके पास एक सेलफोन की जैसा कुछ डिवाइस होता है जिससे वो इस तरीके से बोलते हैं, सो दैट द साउंड कैन पास थ्रू, जब जो मून पे होती है दैट इज़ थ्रू द रेडियो वेव्स। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें जब से सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो ये तीनों मीडियम में जो है आवाज़ जो है चलती है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सिंबल्स इन एन ऑर्केस्ट्रा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा जाता है वो सिंबल्स ही पूछा जाता है, मोस्टली लोग बच्चों को जो है सिंबल्स का मीनिंग नहीं पता होता है। तो जो है एनसीईआरटी में जो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो है पिक्चर्स भी दी गई हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ बीन आस्क इन नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्ज़ाम ऑल्सो। सो आपसे ये पूछा है कि कौन सी जो चीज़ है वाइब्रेट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई चीज़ जो है वाइब्रेट करती है। सो द वाइब्रेशन जो होती है वही साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो जो सिंबल्स में कौन सा ऐसा चीज़ होती है जिसके ऊपर जब वाइब्रेशन होती है तो जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। सो यू हैव द ऑप्शन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स, स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, मेटल प्लेट्स एंड एयर कॉलम। तो जो घंटियाँ होती हैं इस तरीके की घंटियाँ, आपने देखा होगा मंदिर में भी चलती हैं, यहाँ पे इस तरीके से का थ्रेड लगा होता है तो एक दूसरे के साथ जब चलती हैं, सो दे हैव द मेटल प्लेट। सो सिंबल्स की जब भी मेटल प्लेट एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करेगी सो द म्यूजिकल नोट विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें स्ट्रेच स्ट्रिंग, जितनी भी हमारे पास वीणा है, राइट, वी हैव एक तारा, ये इन सब के ऊपर जो है स्ट्रेच, वायलिन हो गया,
यहाँ पे क्या है, ये सब स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर बात होगी। स्ट्रेच मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, आपका तबला आ जाएगा, देन यू हैव ढोलक, राइट। एयर कॉलम, एयर कॉलम में आपके पास जो है फ्लूट आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बांसुरी। वहाँ पे जो है एयर कॉलम में जो है आवाज़ जो है आपकी वाइब्रेट करती है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1-3 का चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी हर्ड बाई अ वुमेन हैविंग अ नॉर्मल हियरिंग रेंज। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर आपसे जो है नॉर्मल हियरिंग रेंज के बारे में पूछना चाहता है। यू हैव द ऑप्शन 25,000 हर्ट्स टू 15 हर्ट्स, 15 हर्ट्स टू 40,000 हर्ट्स, 25 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स एंड 25 हर्ट्स। तो अगर हम नॉर्मल हियरिंग रेंज की बात करें तो इट इज़ 20 हर्ट्स टू 25,000। तो यहाँ पे सॉरी 20,000, 20,000 जो है हमारी, इससे ऊपर हम नहीं सुन सकते और इससे कम हम नहीं सुन सकते। जो 20 हर्ट्ज़ से जो कम साउंड्स होंगी उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो जितनी भी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर ज़्यादा होंगी हम उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और जितनी भी ये जो विच द फॉलोइंग कैन बी हर्ड बाई वुमन हैविंग ए नॉर्मल हियरिंग रेंज, तो इसमें जो है 25,000 एंड 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो है हमारी नॉर्मल रेंज 20 से 20,000 तक है, तो ये हाँ यहाँ पे 25 दी है, तो इसके हिसाब से आपका चॉइस नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 115। वेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीजेज इट्स। यू हैव द ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड टेम्बर। तो आपको पता होना चाहिए जो लाउडनेस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब भी हम फीबल साउंड टू लाउड करते हैं, मतलब हम लाउडनेस बढ़ाते हैं, तो हम क्या बढ़ा रहे होते हैं, बेसिकली एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि लाउडनेस मैंने 1 से 2 यूनिट कर दी है, मीन्स मैंने ट्वाइस कर दी है, तो एम्पलीट्यूड आपका कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स। क्योंकि लाउडनेस जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्केयर। दूसरी बात, जो लाउडनेस के यूनिट होते हैं वो होते हैं डेसीबल। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लाउडनेस के यूनिट्स हैं होते हैं वो कौन से यूनिट्स होते हैं, राइट। सो व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड, एक वीक, एक कमज़ोर आवाज़ से हम ज़्यादा ऊंची आवाज़ करते हैं, तो बेसिकली हम उसका क्या इंक्रीज़ करते हैं, वी इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो लाउडनेस होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 116। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासोनिक। तो अभी हमने बात की थी जो 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ होगी, इससे लेस देन होगी, दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। तो इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो इंफ्रासोनिक साउंड को भी हियर कर सकता है? यू हैव द ऑप्शन डॉग, बैट, राइनोसेरोस एंड ह्यूमंस। तो अगर हम बात करें, राइनो एक ऐसा जानवर है जो इंफ्रासोनिक साउंड को हियर कर सकता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 116, चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 117। द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन पेनिट्रेट इन टू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं मैटर में टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव। अल्ट्रासाउंड वेव्स कहाँ पे यूज़ की जाती हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेजते हैं, वो क्यों जो है, जैसे अगर आपके पेट का मुआयना करना है तो वहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स पेनिट्रेट कर जाती हैं। क्यों करती हैं? बिकॉज दे हैव वेरी हाई स्पीड, दे हैव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई एम्पलीट्यूड। तो उनकी जो स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दे हैव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड वो बहुत डीप तक जो है मैटर के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 117, चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 118। द मैक्सिमम स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन। यू हैव द ऑप्शन ड्राई एयर, सी वाटर, ग्राउंड ग्लास एंड ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन होती है दैट इज़ इन द सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में सबसे जल्दी जो है आवाज़ जो है ट्रांसमिट होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ट्रेन पे गाड़ी आने वाली होती है, तो अगर हम इसके
जो ये जो रेलवे ट्रैक होता है, अगर हम इसके ऊपर कान लगा के सुने, तो अभी ट्रेन जो होती है अभी स्टेशन पे आई भी नहीं होती है, तो जो है आवाज़ हमें पहले सुनाई दे देती है. सो दैट मीन्स जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ये गाड़ी चल रही है, सो द साउंड इज़ ट्रांसमिटेड टू थ्रू दी सॉलिड. सो ये जो सॉलिड मीडियम होता है, इसमें जो है मैक्सिमम जो है आपको जल्दी बहुत ज़्यादा जो है जल्दी जो है आपको ऑडिबल साउंड जो है सुनती है. उसमें स्पीड जो उसकी है और वॉइस की वो मैक्सिमम होती है. सो इन क्वेश्चन नंबर 118 अगर हम देखें, तो जो ग्राउंड ग्लास है वो एक सॉलिड मीडियम है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 118 चॉइस नंबर 3 दैट इज़ ग्राउंड ग्लास इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 119. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कॉल. यू हैव द ऑप्शन फ्रिक्वेंसी, टिम्बर, पिच एंड लाउडनेस. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोजिटली एक ही साउंड की, जैसे कि दो सिंगर्स गा रहे हैं, तो हम उसकी जो है, इवन जो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं, तो हम उन साउंड को किस तरीके से जो है एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सपोजिटली से एक तरफ जो है लता मंगेशकर जी गा रहे हैं, एक तरफ आशा भोसले गा रही हैं, राइट. इवन देन वी कैन डिस्टिंग्विश द वॉइस कि हाँ, ये जो लता जी की आवाज़ है, नो मैटर वो एक ही फ्रिक्वेंसी के साथ गा रही है, उनकी पिच भी एक है, लाउडनेस भी एक है, तो वो कौन सा करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम दो आवाज़ें पहचान सकते हैं, राइट. दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें पहचान सकते हैं, दो सिंगर्स की आवाज़ें पहचान सकते हैं. सो दैट करेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड टिम्बर. सो टिम्बर को जो है हम क्वालिटी भी बोलते हैं, राइट. सो क्वालिटी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे जो है हम दो सिंगर्स, चार सिंगर्स, जितने भी सिंगर गा रहे हो, तो हमें ये पता चल जाता है ये कुमार सानू की आवाज़ है, ये सोनू निगम की आवाज़ है. सो इट्स दैट इज़ कॉल्ड द टिम्बर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्वालिटी, राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 119 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 120. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग मीन्स जिसके ऊपर तार बनी हो इस तरीके की, राइट. सो यू हैव द ऑप्शन सितार, वीणा, एक तारा, ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, आपके पास सितार होगी, वीणा होगा, एक तारा हो गया, ये तीनों ही जो हैं स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 120 चॉइस नंबर 4 दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे जो है वीडियोस उनको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट. ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है, सो यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज माई न्यू वीडियो इज़ पोस्टेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.